जवान यस सर जोश है यस सर किसी जवान को कोई तकलीफ नो सर कोई सचेत नो सर पीटी करने के लिए रेडी हो यस सर जोश दिखाओगे साहब को यस सर मेजर साहब एक आला दर्जे के अफसर हैं यस सर उन्होंने पहले बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं यस सर जोश दिखाओगे उनको यस सर स्वागत यस सर सर जय साहब पीटी करने के अनुमति चाहता हूं स्टार्ट कर जय साहब लीडर के साथ पीटी शुरू कर विकास के लिए रेडी वेरी गुड जो कोई भी ऐसा करे जो चाहिए मेरे को इस एक्सरसाइज का क्या फायदा इससे आपके बाजू में जाना है जय साहब स्पेशल फोर्स के 10 जवान आपके इंटरव्यू के लिए रेडी हैं जय साहब जवान यस सर यस सर अगर कोई घर में दुख तकलीफ है तो बता सकते हो क्या कोई बात करना चाहते हो यस सर सर बताओ सर मेरी सिस्टर की शादी है और मेरा जाना अति जरूरी है बस दिन भी 4 रह गए हैं शादी के लिए ओके थैंक यू सर कोई और मेरे फादर साहब बहुत सीरियस है सब मेरा जाना अति जरूरी है सब क्या घर में और कोई नहीं है आपके ओ साहब ओके मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन है साहब मेरा जाना अति जरूरी है साहब क्या और कोई नहीं है घर में जवान नहीं सर ओके जवान देश के लिए क्या कर सकते हो जान नहीं चाहिए मुझे दुश्मनों की जाने चाहिए भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जवान देश चाहिए या घर चाहिए जवान देश चाहिए या घर चाहिए जय साहब जवान जय साहब जिस प्रकार हमने शांति करार के दौरान ट्रेनिंग किया था उसी प्रकार अब हमारे सामने कुदरती रुकावट आ गया है जिसको हम इस रस्ते के द्वारा पार करेंगे जिस प्रकार मैं करूंगा ओके वेरी गुड वेरी गुड आओ ना चल चल चली चल चली गई अस्सलाम वालेकुम 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 सलाम मियां क्या खबर लाए हो इंडियन आर्मी आ चुकी है और उनका स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है और हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है लाला खुश हुआ इंडियन आर्मी की लाशें बिछा देंगे लाशें लाला खुश हुआ इंडियन आर्मी को पता है कैसे लटाना है जी जनाब जी जनाब ऐसे लटाना है बलविंदर सिंह जी हाँ हरदीप यार घर से बार बार फोन आ रहा है क्या बात हो गई सिस्टर की शादी है 4 दिन बाद अच्छा छुट्टी लेनी है देखते हैं साहब छुट्टी देगा कि नहीं मेरा जाना बहुत अति जरूरी है
प्रदीप यार मेरे भी यही प्रॉब्लम है, मेरा भी बाप बहुत बीमार है जी, और पीछे देखने वाला कोई नहीं है, घर पे देख रेख करने वाला भी नहीं था, कोई दवाई बूटी देने वाला नहीं है। अच्छा जी, क्या करें यार, मेजर साहब से बात करते हैं। देखो सभी की ऐसी बात है ना, बात करते हैं और छुट्टी थोड़ी सी मंजूर कर ले। देखो फिर सर से बात शाम तक करते हैं, पर क्या बोलते हैं। बलविंदर यार, हाँ कुलविंदर, वीरे मेरे भी घरवाली के बेटा हुआ है, अब तक मुँह नहीं देखा। अच्छा। के घर में कोई मैसेज नहीं गया हमारे। चानन सिंह, काश ऐसी कोई संस्था होती यार, हमारे घर को संभाल पाती और हमारी जिम्मेवारियाँ निभा पाती। जैन साहब, साहब अपने जवानों की कुछ प्रॉब्लम है साहब, मैंने सुन ली है जी साहब। क्या तरसेम सिंह पूरी फोर्स को संभाल सकते हो? जी साहब। तेरे को पता है भी मैंने सूबेदार अजमेर सिंह को मेन टास्क के लिए भेज दिया है? जी साहब। और पूरी फोर्स को संभाल सकते हो? जी साहब। तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो इनके लिए कर ही सकता हूँ यार, किसी संस्था से मिलके इनके लिए भी मेरा भी फर्ज बनता है कि इनमें इनके घर में जाके मैं इनके लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ। बिल्कुल साहब। क्या संभाल सकते हो पूरी फोर्स को? जी साहब। डन जी साहब। जय साहब। कमांडो फॉर टाइगर, टाइगर टाइगर ओवर। पास पास ओवर। टाइगर हमारा एक जवान कैजुअल्टी हो गया है, अभी उसको कैंप एरिया में भेज रहे हैं साहब, ओवर। ठीक है, मैं अपने जवान भेज रहा हूँ जो उनको हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधा दे देंगे, ओवर। जवान चलो आपको कैंप में लेकर चलते हैं, वहाँ आपको मेडिकल सुविधा दी जाएगी। नहीं सर, मुकाबला करो सर, इसका मुकाबला करो, बात माता की। आतंकियों अपने वो बैठे हैं लोग, उससे पूछते हैं कि ये यहाँ पे न्याल सिंह का घर कौन सा है। ठीक है जी, ठीक है। जवानों इनसे पूछते हैं, बैठे हैं इधर। श्रीकाल जी। श्रीकाल जी। श्रीकाल। असी फौजी चन्नण सिंह दे घर आए सी जी, ये जान दे बाबा जी उन्होंने घर तुम चन्नण सिंह फौजी तो अभी जानते, फौजी है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। हाँ जी, भाई जी ने पूछो जो शायद इन्होंने पता हो दस सकते हैं। थोड़ा पता जी? नहीं पता नहीं, मैं मिलटरी दे विच्चों मेजर चल के खुद आया भी, असी ये चाहते हैं, असी ये देखिया थोड़े घर के उपर फलैग लग्या, देखिया भी तुसी देश हित की सेवा कार्ज करन वाले हो, असी तां तुहाडे घरे आए हाँ भी असी सेवा ये लैके आए हाँ भी चन्नण सिंह की माता जी की अखां का ऑपरेशन आ, वो बेचारा आ नहीं सकता, निगाह तो दिखता नहीं, इसलिए चल के आए हाँ भी तुसी ये सेवा कार्ज कर सकते हो, उन्हां दी सेवा संभाल करोगे। हाँ जी मेजर साहब, तुहाडा आने ते बहुत बहुत असी धन्नवाद करते हैं, ते तुसी कोई नहीं फिक्र ना करियो, असी पूरे फौजी वीर परिवारां दी पूरी देख रेख करांगे, घरां दी सारी संभाल करांगे, कोई नहीं असी ये कार्ज पहला भी करदे आए हां ते हुण भी करांगे, कोई नहीं तुसी फिक्र ना करियो, अज तो उन्हां दे परिवारां दी जिम्मेवारी असी खुद निभावांगे। बस असी जो उम्मीद लैके आए सीगे ओ सानू पूरी सब तुहाडे वल्लों पूरी सपोर्ट मिली आ, बस असी पूरे खुश आ, हुण असी आपदे जाना बार्डरां ते आपदा काम कार शुरू करदे आ, तुसी आपदा ये कार्ज करो, धन्नवाद जी तुहाडा बहुत बहुत। चलो ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। कमांडर, इंडियन आर्मी ने हमारा दो आदमी मार डाला,
और हमारे पर इंडियन आर्मी बारी पड़ रही है सर। पानी लिया भाई ओए की गल है पानी हथ ले जाने पानी मैं तो इधर बैठा है मैं तो बोलदा ही कुछ नहीं है मैं तो अखां बहुत निगा कट गई तुसी करया नहीं चन्ना सिंह नु फोन करया दो गरी करया और इनी बॉर्डर से छताई बहुत आ उन्हों छुट्टी नहीं हो रही। अच्छा जी हां रब भला करूंगा जरूर आवणगे। अच्छा हाँ मैं बुमारा मैं कोई जान नहीं जाता कि ठीक कौन आई अंकल जी आंटी जी करीने जी मैं करीने दसो अंकल जी मेजर साहब ने भेजा सी अखा दे ऑपरेशन ले जी। ठीक है मां अखा दा ऑपरेशन करवाना जी। कोई ना लै के सौ धन्यवाद है थोड़ा चाह पानी पाई थोनो ना जी धन्यवाद हुण लै नूं अंदर ही बैठे ने रख्या करो मतलब सेवा करो अपना फर्ज निभा चुके मालिक की मौज है बेबे जी बापू जी असि सारा कार्ज नमेड़ता हलवाइया का भी नमेड़ता पैसे चो सारा कुछ नमेड़ता जे कोई होर सेवा हो सानू दसो जी। देखो वधिया कीता तुसी धन्नवाद आ थोड़ा मेरा तां इक बच्चा बाहर बैठा एक ओ बेटा छोटा देख लो कोले बैठा तुसी थोड़े सावा से आ धन्नवाद आ थोड़ा बहुत वधिया कुड़ी अपने घर चल गई जिउंदे वाहदे रहो महाराज थोड़ा चढ़ती करा च रखे। ठीक है बेबे जी कोई होर सेवा होई सानू जरूर दस्यो। कोई ना पुत्तर जे कोई हो कोई वध घट कोई काम तो जरूर दसा। ठीक है जी हमारे देश का भविष्य हो। हमें खुशी है कि बेशक हम घर नहीं जा पाए इस राखी के त्यौहार पर लेकिन आपने बॉर्डर पर आकर हमें राखी बांधी हम इसे बहुत खुश हैं। हम आपके लिए क्या गिफ्ट दे सकते हैं आपको क्या तोहफा दे सकते हैं? हमें कोई भी तोहफे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी हमारे भाई ही हो और आप हमारे लिए अपने घर छोड़कर बॉर्डर पर राखी करते हैं। हम आपकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं और हम भी आपकी बहनें ही हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य
दिव्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सर। हाँ जी सर, मैं तो बड़ा हैरान हूँ सर, ये कैसे हुआ? क्या सर, मेरी सिस्टर की शादी होगी। अच्छा, और मैं तो ड्यूटी पे था, सारा काम किसने किया? मैं तो बहुत हैरान हूँ सर, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। यस सर। सर मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ। जी सर। सर इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ, मेरे बाप का चेकअप और हर महीने की दवाई मिल रही है। हाँ, इसी बात से मैं हैरान हूँ। अच्छा, ये कैसे हुआ सर? ये जैसे मैं सोच रहा था वैसे ही हो रहा है। क्या जवान? सर ये मुझे लग रहा है कि किसी वॉलंटियर संस्था का काम लग रहा है। हाँ, ये तो मेजर साहब ही बता सकते हैं, वो बोल के गए थे जब वो कैंप से गए थे। जी सर। अरे मेजर साहब आ गए। पाटी सावधान। जैन साहब, श्रीमान जवानों के कुछ सवाल हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स का हल कैसे हो गया, वो पूछ रहे हैं साहब। ठीक है जवान। जैन साहब, हमने आपकी सारी वार्तालाप सुन ली थी। जी साहब। अरे हमारा दिल बहुत रोया। जी साहब। जी साहब, कि आपके घर में इतनी परेशानी है यार। जी बोल रहा था कि मेरे घर में यार कोई काम करने वाला ही नहीं है, मेरी बहन की शादी है। जी साहब। अरे क्या करें, हम जवानों के लिए बना ही इसीलिए है कि हम आप धरती माँ की रक्षा कर सकें। जी साहब। अरे हम उसी टाइम हौलदार तरसेम सिंह को मिले और इनसे वार्तालाप की, इन्होंने ही कैंप को संभाला और हमने आपका घर संभाला। जी साहब। अरे आप जानना चाहते हो कि आपका घर के काम किसने किए हैं? जी साहब। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मैसी लगाया है। अरे ये काम तो सात सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग वॉलंटियर ने किया है। अरे जवानों पता है आपको क्या सर? जब हम आपके घर गए, अरे हम आम लोगों से मिले, उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम तो अपना घर नहीं संभाल सकते, इनके घर वालों को कैसे संभालेंगे। अरे हमें इतनी टेंशन हुई कि हम जरा अब क्या करें, तो हमने पता क्या देखा, एक घर पे तिरंगा लहराता हुआ मिला। जी साहब। अरे वो पता कौन है? कौन सा? वो 142 ममता भलाई के कार्य कर रहे हैं। 142। अच्छा सर। हाँ, उनकी संस्था में हर घर में तिरंगा लहरा रहा है यार। अरे हमने उन्हीं की मदद ली। जी सर। उन्होंने ही आपके घरों में काम किया, एक दिन भी अपने घर नहीं गए, आपके घरों में रह के आपके कार्य किए, आपके भांडे तक धोए उन्होंने। बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, उसके वॉलंटियर हैं वो। अच्छा सर। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पता है सर, जो पौधे लगाते हैं सब, जो ब्लड डोनेट करते हैं, वही जो हर महीने हमारे को ब्लड डोनेट करते हैं। अरे उनका शुक्राना करो, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही सारा काम किया है।